हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप पार्टी वाइज, डे वाइज, आइटम वाइज सेल्स रिपोर्ट अगर आप डेली में चेक करना चाहते हो आप किस तरीके से कर सकते हो, और उस रिपोर्ट को आप परमानेंटली सेव करके रखना चाहते हो वो भी आप टेली प्राइम 2.0 में किस तरीके से कर सकते हो, ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो अगर आपको जो भी पार्टी का आपको डेली का सेल्स रिपोर्ट चेक करना है आइटम वाइज, तो उसके लिए आपको जाना होगा डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, मूवमेंट एनालिसिस, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है लेजर, जो भी आपके कस्टमर है उस कस्टमर का आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको जाना होगा ऑटो कॉलम में और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है डेली। तो यहाँ पे आपके पास सेल्स परचेस दोनों आएगा। आप चाहते हो खाली आपको सेल्स रिपोर्ट देखना है तो आपको यहाँ पे एफएल में जाना है और यहाँ पे आपको परचेस वाले ऑप्शन को नो कर देना है। तो यहाँ पे आपको सेल्स का ही रिपोर्ट दिखेगा, जितनी भी आइटम है उस पार्टी को आपने सेल की होगी उस आइटम का नाम आएगा और डेवाइस कितनी कितनी क्वांटिटी सेल की है उसका पूरा रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो इस रिपोर्ट को मैं डायरेक्ट गोटू में सेव करना चाहता हूँ कि जब भी मैं गोटू में जाके इस रिपोर्ट को ओपन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सेव व्यू में जाके इसको आपको जो भी नाम देना चाहते हो आप दे सकते हो। और अभी मैं इस रिपोर्ट को डायरेक्टली गोटू में जाके उसको ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो लेजर एनालिसिस डेली, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो सेम वही रिपोर्ट ऊपर है ना मैंने जो कॉन्फ़िगर किया था। तो इस तरीके से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कॉन्फ़िगर करके उस रिपोर्ट को सेव कर सकते हो। इसको आपको डिफ़ॉल्ट रखना है डिफ़ॉल्ट रख सकते हो, या फिर आपको गोटू में इसको रिपोर्ट को डायरेक्टली ओपन करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों, इस तरीके से आप पार्टी वाइज, आइटम वाइज डेली रिपोर्ट आप चेक कर सकते हो। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या फिर अदर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करो, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स एंड अपडेट्स के साथ, तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।